Question 10. Examine the role played by the Constituent Assembly in framing of the Indian Constitution. 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. उसके लिए इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल तरीके से काम करती थी. वो एक सॉवरन बॉडी थी. सॉवरन का ये मतलब है कि उसे कोई भी बाहर की बॉडी या फिर कोई भी बाहर का इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं करता था. वो अपने डिसीजंस खुद बनाती थी और उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था. सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जो कि यूनानिमसली पास किया गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स डिफाइन करे. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या अचीव करना चाहती है. और इन ऑब्जेक्टिव्स को यूनानिमसली पास किया गया. इसका मतलब असेंबली के सारे मेंबर्स ने अग्री किया कि उनके एम्स यही होने चाहिए. इसे इंडिया का चार्टर ऑफ फ्रीडम माना गया. इसके बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर अग्री किया गया. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के पास होने के बाद एक एडवाइजरी कमेटी और बहुत सारी और कमेटीज़ बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा. ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके ऊपर डिस्कशन हुई. बहुत समय तक डिस्कशन करने के बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज के ऊपर डिस्कशन हुई. और इस डिस्कशन को 114 दिन लगे 3 सालों के अंदर. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी प्रोसीडिंग्स और डिस्कशंस रिकॉर्डेड हैं और बचा कर रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में. इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल्स पर डिस्कशंस हुई और डिबेट्स हुई और जो भी प्रोसेस था इनको लागू करने का, वो सब बचा कर रखी गई. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली पास किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को. इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. क्वेश्चन 11. डेमोक्रेसी कीप्स अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया टुगेदर, हाउ? मेनली डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का एक तरीका है. एक सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और इसीलिए उनके ओपिनियंस और इंटरेस्ट जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे. इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर बहुत सोशल डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंसेस और भी ज़्यादा दिखते हैं. हमारे देश में लोग अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं और उनकी अलग कास्ट हैं. इसीलिए जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं वो अलग है और उनकी प्रेफरेंसेस अलग हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक ग्रुप चाहता है वो दूसरे ग्रुप के डिज़ायर से क्लैश करता है. इस केस में जो भी ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है उसकी बात मानी जाएगी और बाकियों को वो एक्सेप्ट करना होगा. लेकिन इसकी वजह से लोग नाराज़ हो सकते हैं और उनकी लाइफ जो है वो बिगड़ सकती है. इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो साथ में नहीं रह पाएंगे. लेकिन एक डेमोक्रेसी जो है वो इन प्रॉब्लम्स का एक पीसफुल सोल्यूशन देती है. एक डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है और कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं है. इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही ग्रुप की बात मानी जाएगी और दूसरे ग्रुप की बात कभी भी नहीं मानी जाएगी. इस तरह से अलग अलग ग्रुप साथ में पीसफुली रह सकते हैं. तो फाइनली इसी तरह से डेमोक्रेसी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को साथ में रखती है और लोगों को बाइंड करके रखती है. क्वेश्चन 12. व्हाट वाज महात्मा गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
गांधी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो उनका विजन फॉलो करते थे। इसका मतलब है कि वो उनसे प्रभावित थे। 1931 में उनकी यंग इंडिया मैगज़ीन के हिसाब से वो चाहते थे कि इंडिया सारे फॉरेन कंट्रोल से मुक्त हो जाए। वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को एम्फेसाइज करते थे, मतलब वो चाहते थे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि सारी कम्युनिटीज़ हारमोनी में रहें, मतलब मिलजुल कर रहें। वो इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जहाँ पर कोई भी अनटचेबल नहीं माना जाता, और वो ये भी चाहते थे कि मेन और वुमेन के पास एक जैसी राइट्स हों। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इज़ द प्रीएम्बल इम्पॉर्टेंट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ जो कि उसकी बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताती है। यही स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में आइडियल्स और बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, लेकिन ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिशेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि प्रीएम्बल की वैल्यूज़ फॉलो नहीं करी जा रही हैं। प्रीएम्बल बस एक गाइडलाइन है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज़ दिखाता है, मतलब किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इन्हीं वैल्यूज़ ने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया और गाइड किया। प्रीएम्बल की वैल्यूज़ को हर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल में देखा जा सकता है। इसका ये मतलब है कि इन्हीं वैल्यूज़ को मन में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन का हर आर्टिकल बनाया गया है। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक गाइडिंग लाइट है। नेक्स्ट, ये हमें वो फिलॉसफी बताते हैं जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इस तरह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है या फिर आत्मा है। लास्टली, प्रीएम्बल ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए। वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन करता है। इस तरह से वो एक स्टैंडर्ड देता है जिसके अगेंस्ट हम किसी भी लॉ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसका मतलब, हम अगर कोई नया लॉ है तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ये हमारे प्रीएम्बल से मैच कर रहा है, और क्या ये नया लॉ जो है हमारे प्रीएम्बल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जैसा कि हमने पहले देखा था, हमारे प्रीएम्बल में वो फिलॉसफी है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सॉवरेन, लोगों के पास सुप्रीम राइट है डिसीजंस लेने की, मतलब सबसे ऊंची राइट्स लोगों की है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। उसके साथ कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट, जितने भी देश वेल्थ जेनरेट करता है, मतलब जितना भी देश पैसा कमाता है, वो सबके बीच में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए और उसके बेनिफिट सबको मिलने चाहिए। गवर्नमेंट को लैंड और इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप को रेगुलेट करना चाहिए जिससे कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो सकें। इसका मतलब, कुछ हिस्सा लैंड और इंडस्ट्री का गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि वो सब लोगों को कम दाम पर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और उससे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब गरीबी या फिर अमीरी, कम हो जाए। नंबर 3,
सेक्युलर, हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है। नंबर 4, रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन है और ये एक हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट को लोग चुनेंगे और ये फैमिली के थ्रू पोजीशन जो है वो पास नहीं करी जाएगी। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट को लोग खुद चुनेंगे और गवर्नमेंट राज करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से। लास्टली, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर सिटीज़न के पास इक्वल राइट्स होती हैं। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ख़त्म होता है। थैंक यू।